नमस्कार, न्यूज़ 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नायर। आपसे कुछ देर में प्रधानमंत्री सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में भाग लेंगे। देखेंगे नमो ड्रोन दीदियों द्वारा कृषि ड्रोन का प्रदर्शन। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आज हरियाणा का दौरा भी करेंगे, कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। खबरें होंगी भाजपा और कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से भी जुड़ी हुई। शुरुआत करते हैं न्यूज़ 10 की हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय यात्रा पर मॉरिशस रवाना। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में लेंगी भाग। अपने समकक्ष और प्रधानमंत्री के साथ करेंगी द्विपक्षीय बैठकें। सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में भाग लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। नई दिल्ली स्थित पूसा में देखेंगे नमो ड्रोन दीदियों का कृषि ड्रोन प्रदर्शन। 1000 नमो ड्रोन दीदियों को सौंपेंगे ड्रोन। 8000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण करेंगे वितरित। प्रधानमंत्री मोदी गुरुग्राम से देंगे देश भर को विकास परियोजनाओं की सौगात। 1,00,000 करोड़ रुपए की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड की होगी शुरुआत। पश्चिम बंगाल सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। संदेशकाली में ईडी टीम पर हमला मामले में सीबीआई की एफआईआर के खिलाफ ममता सरकार पहुंची है उच्चतम न्यायालय। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक आज। जारी हो सकती है लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की दूसरी सूची। कांग्रेस पार्टी ने भी बुलाई आज चुनाव समिति की बैठक। छियानवे ऑस्कर अवार्ड में फिल्म ओपनहाइमर का रहा जलवा। बेस्ट फिल्म समेत कुल 7 अवार्ड किए अपने नाम। किलियन मर्फी बेस्ट एक्टर तो एमा स्टोन ने जीता बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। और खेल की खबरों में सात्विक चिराग की भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने रचा इतिहास। चीनी जोड़ी को हराकर दूसरी बार किया फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट पर कब्जा। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिनों की सरकारी यात्रा पर मॉरिशस रवाना हो गई हैं। वो 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस समारोह में भारतीय नौसेना का एक दल भी हिस्सा लेगा, जिसमें भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन पोत INS तीर और CGS सारथी शामिल होंगे। राष्ट्रपति यात्रा के दौरान मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रोपोन और प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जुगनौथ के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे मॉरिशस नेशनल असेंबली के अध्यक्ष, मॉरिशस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और साथ ही कई अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस की 3 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हो गई हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में भाग लेंगे और नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में नमो ड्रोन दीदियों द्वारा आयोजित कृषि ड्रोन प्रदर्शन देखेंगे। देश भर में 10 अलग-अलग स्थानों से नमो ड्रोन दीदियां भी एक साथ ड्रोन प्रदर्शन में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 1000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री प्रत्येक जिले में बैंकों द्वारा स्थापित बैंक लिंकेज शिविरों के माध्यम से स्वयं सहायता समूह को रियायती ब्याज दर पर लगभग 8000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण भी वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री SHG को लगभग 2000 करोड़ रुपए की पूंजी सहायता निधि भी वितरित करेंगे। आज ड्रोन दीदियों के लिए बेहद ही खास दिन है। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद 1000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन का तोहफा भी देंगे। प्रधानमंत्री मोदी असम के 6 जिलों से आई 18 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन वितरित करेंगे। रविवार को डिब्रूगढ़ जिले में कृषि ड्रोन प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ावा देने के लिए नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पहल है। माननीय
प्रधानमंत्री जी का ये जो प्रोग्राम है नमो ड्रोन दीदी, इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है क्योंकि एक ड्रोन बड़ा सेफ उड़ाना चाहिए, क्योंकि इसमें सेफ्टी के रूल्स को ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है तो आ जाएगा। या जितनी भी ड्रोन दीदी पूरे हिंदुस्तान के अंदर हैं, इनको DGCA अप्रूव जो RPTU होते हैं वहाँ से इन लोग का ट्रेनिंग हुआ है वहाँ पे। क्योंकि हमारा जो ड्रोन मिला है ना वो कई दिनों का काम कम समय में होगा, जो हमारा खेती में लाभवान होगा, कम समय में फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो हमारा खेती बहुत अच्छा होगा, इसलिए हमें ड्रोन मिलकर हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें उसको दिल से शुक्रिया अदा करेंगे जो हमको ये ड्रोन दिया है ना, जो हमारे खेती में बहुत फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के गुरुग्राम का भी दौरा करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री देश में विस्तारित 1,00,000 करोड़ रुपए की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच यातायात परिचालन में सुधार लाने और व्यवस्था की बाधाओं को दूर करने में सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारिका एक्सप्रेस वे के हरियाणा खंड का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश में 4,600 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ रिंग रोड के 3 पैकेज का विकास, आंध्र प्रदेश में 2,950 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के आनंदपुरम पेंडुरथी अनाकापल्ली खंड का विकास, हिमाचल प्रदेश में 3,400 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय राजमार्ग 21 के किरतपुर से नेरचौक खंड, कर्नाटक में 2,750 करोड़ रुपए के डोबास्पेट हेसकोटे खंड के साथ पूरे देश में विभिन्न राज्यों में 20,500 करोड़ रुपए की 42 अन्य परियोजनाओं का भी प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। जिन प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी उनमें आंध्र प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपये के बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा एक्सप्रेस वे के 14 पैकेज, कर्नाटक में 8,000 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय राजमार्ग 748A के बेलगाम हुकुंड रायचूर खंड के 6 पैकेज, हरियाणा के 4,900 करोड़ रुपए शामली अंबाला राष्ट्रीय राजमार्ग के 3 पैकेज, पंजाब में 3,800 करोड़ रुपए के अमृतसर बठिंडा कॉरिडोर के 2 पैकेज, इसके साथ ही देश के विभिन्न राज्यों में 32,700 करोड़ रुपए की 39 अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाला द्वारका एक्सप्रेसवे देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है, जो कई मायनों में खास है। ₹5,269 करोड़ रुपए की लागत से 14 लेन वाले 29 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र की सेवा में समर्पित करने जा रहे हैं। दिल्ली से हरियाणा को जोड़ने वाला द्वारका एक्सप्रेसवे देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है, जो सिंगल पियर पर बना है और जिसकी कुल लेन की लंबाई 563 किलोमीटर है। द्वारका एक्सप्रेसवे में देश की पहली 3.6 किलोमीटर लंबी 8 लेन चौड़ी अर्बन टनल भी शामिल है। इसमें भारत का पहला 4 स्तरीय इंटरचेंज 2 जगहों और 3 स्तरीय इंटरचेंज 9 जगहों पर है। साथ ही प्रमुख इंटरचेंज एलिवेटेड सर्विस रोड से जुड़े हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे एक ऐसा शहरी एक्सप्रेसवे है जिसकी सर्विस लेन पर ही एंट्री पॉइंट का निर्माण किया गया है, जिससे ट्रैफिक कंजेशन नहीं होगा। 8 लेन वाले इस एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 3-3 लेन सर्विस रोड भी हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे में एलिवेटेड रोड की कुल लंबाई 192 किलोमीटर है, जबकि लोगों की सुविधा और यातायात को सुगम बनाने के लिए इसमें 34 अंडरपास, 31 सुरंग और 12 रोड ओवरब्रिज का निर्माण किया गया है। ये एक्सप्रेसवे NH8 पर शिव मूर्ति से शुरू होकर खेड़की दौला टोल प्लाजा तक जाता है। इस एक्सप्रेसवे को बनाते समय ऐसा पहली बार हुआ
कि 1200 पेड़ों का सही सलामत रीप्लांट हुआ ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तैयार होने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे को इसके वर्ल्ड क्लास आर्किटेक्चर के लिए भी याद रखा जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में 2,00,000 मेट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित विश्व विख्यात आईफिल टावर से 30 गुना ज्यादा है। उसी तरह इसको बनाने में 2,000,000 क्यूबिक मीटर सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है, जो बुर्ज खलीफा में प्रयोग किए गए सीमेंट से 6 गुना ज्यादा है। इससे दिल्ली और हरियाणा के बीच यातायात इतना सुगम हो जाएगा कि द्वारका से मानेसर आप केवल 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, जबकि मानेसर से IGI एयरपोर्ट 20 मिनट में ही जाना संभव हो पाएगा। वहीं मानेसर से सिंधु बॉर्डर तक जाने में आपको सिर्फ 45 मिनट लगेंगे। ऐसे उच्च गुणवत्ता वाली आधारभूत संरचनाएं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को सिद्धि में बदलने का माध्यम बन रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा पहुंचेंगे और वहां पहुंचकर 1 करोड़ रुपए की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजना है उसका लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। और जो अभी आपने वीडियो देखी वो केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने साझा की है, और यहां बताया गया है कि किस तरीके से द्वारका एक्सप्रेस वे पर आज जिस का उद्घाटन होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, वो यातायात कितना आगे आने वाले समय में सुगम बना देगा। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लोकसभा चुनावों से जुड़ी हुई। लोकसभा चुनाव को लेकर रोज ही हलचल बढ़ रही है। अभी हर राजनीतिक पार्टी अपने प्रत्याशियों का नाम फाइनल करने के लिए माथापच्ची कर रही है। हालांकि लगभग सभी दलों ने पहले दौर के नामों की घोषणा कर दी है। इसी बीच आज केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी अपनी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करने जा रही है। दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में समिति के सभी सदस्य शामिल होंगे। पूरी संभावना है कि आज की बैठक के बाद पार्टी अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दे। सूत्रों के मुताबिक दूसरी लिस्ट में बीजेपी 150 से अधिक नामों की घोषणा कर सकती है। दूसरी लिस्ट के लिए बीजेपी हाईकमान की एक बैठक पहले ही हो चुकी है। इसमें राज्यवार नामों को लेकर चर्चा की गई थी। कहा जा रहा है कि बैठक में एनडीए के महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा और बिहार के सहयोगी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ सीटों के बंटवारे पर चर्चा कर सकते हैं। इससे पहले बीजेपी ने 2 मार्च को 195 प्रत्याशियों का नामों का ऐलान किया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी, अमित शाह को गांधीनगर और राजनाथ सिंह को लखनऊ सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया। बीजेपी ने इस बार चुनाव में अपने लिए 370 और एनडीए गठबंधन के साथ 400 पार का टारगेट सेट किया है। वहीं बात करें अगर दूसरी तरफ की, तो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की भी आज बैठक होगी। कहा जा रहा है कि इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से भेजे गए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। इसके बाद प्रत्याशियों के नामों पर मोहर लगेगी। इस बैठक में राजस्थान की सभी 25 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप दिया जाना है। खास बात यह है कि कांग्रेस के कुछ राज्यों की आई पहली सूची के बाद अब प्रत्याशियों के चयन को लेकर कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। खबर ये भी है कि पार्टी के कई सीनियर नेता लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। इससे पहले कांग्रेस की पहली सूची में 39 नाम सामने आए थे, जिनमें वायनाड से राहुल गांधी, तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर और राजनांदगांव से भूपेश बघेल को टिकट दिया गया है। न्यूज़ 10 में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हेलो बेटा, मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और, वो मिस्टर विकास की फाइल। आप पॉलिसी बाजार? मैम आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माय जॉब रिस्पांसिबिलिटीज एंड अपना घर। NPS भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजिली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है
उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने NPS अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूँगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा। झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा। और फैमिली हॉलीडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलीडे की सेविंग शुरू कर। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। न्यूज 10 में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाने वाले विधायक रविंद्र वायकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। रविंद्र वायकर का पार्टी प्रवेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सरकारी आवास वर्षा पर आयोजित किया गया। वायकर अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, पूर्व नगर सेवकों के साथ शिंदे समूह में शामिल हो गए हैं। रविंद्र वायकर की पार्टी में एंट्री के वक्त मंच पर शिवसेना सांसद गजानन कीर्तिकर मौजूद थे। मुख्यमंत्री शिंदे ने इस दौरान कहा, रविंद्र वायकर असली शिवसेना में शामिल हो गए हैं जो बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा पर चल रही है। रविंद्र वायकर का शिंदे गुट में शामिल होना उद्धव ठाकरे के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि रविंद्र को उद्धव ठाकरे का काफी करीबी कहा जाता है। विधायक रविंद्र वायकर को हाल ही में ठाकरे गुट में नेता नियुक्त किया गया था। इसके बाद आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ठाकरे समूह की ओर से वायकर को नांदेड़, हिंगोली और परभणी लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई थी। वायकर ने 20 सालों तक मुंबई नगर निगम में नगर सेवक के रूप में काम किया है। और अब खबर संदेश खाली से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट आज उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में ईडी और CAPF दलों पर हमले के मामले में CBI जांच को चुनौती देने वाली बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 5 जनवरी को केंद्रीय जांच एजेंसी के दल पर आरोपियों की ओर से किए गए हमले के इस मामले की सुनवाई का ब्यौरा दिया गया है। जस्टिस GR गवई और संदीप मेहता की खंडपीठ आज इस पर सुनवाई करेगी। 5 मार्च को कलकत्ता हाई कोर्ट ने CBI से स्वतंत्र जांच कराने के आदेश के साथ ही बंगाल की पुलिस को इस हमले के मास्टरमाइंड शाहजहां शेख को उसी दिन CID की हिरासत से CBI के सुपुर्द करने को कहा था। इसके खिलाफ बंगाल सरकार ने सर्वोच्च अदालत के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर करके कहा था कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने सतही स्तर पर जांच को CBI को सौंपने का आदेश दिया है। इसके जरिए कानून के तहत मिलने वाले समाधान के अधिकार को कुंद किया जा रहा है। चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की स्टेट बैंक के खिलाफ अवमानना का मामला चलाने की याचिका पर भी सुनवाई होगी। सुनवाई 5 जजों का संविधान पीठ करेगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। चुनावी बॉन्ड योजना को 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था। 5 जजों की संविधान पीठ ने चुनावी बॉन्ड को रद्द कर दिया था। ईडी ने जफर सादिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। जफर सादिक को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इंटरनेशनल ड्रग तस्करी मामले में गिरफ्तार किया था। जफर तमिल फिल्मों का निर्माता है और DMK पार्टी के करीबी हैं। ईडी ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की FIR के आधार पर जफर सादिक ड्रग्स कनेक्शन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। उसे कल NCB ने जयपुर से गिरफ्तार किया था। इससे DMK नेता उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी का मानना है कि गिरफ्तार किए गए सादिक से पूछताछ में कई और खुलासे होने वाले हैं। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अब यह पता लगाने में जुटेगी कि आखिर विदेशों तक फैले तमिल फिल्म प्रोड्यूसर के तार और कहां कहां तक फैले हैं, ड्रग से कमाई गई मोटी रकम कहां कहां लगाई गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अपने कैबिनेट और मंत्री परिषद के साथ अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। मुख्यमंत्री के साथ भाजपा के कई पदाधिकारी और नेता राम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे।
तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अपने कई मंत्रियों के साथ अयोध्या की यात्रा पर निकले हैं। श्री राम लला के दर्शन के लिए स्पीकर ओम बिरला अयोध्या पहुंचे हैं। इस दौरान उनकी पत्नी डॉक्टर अमिता बिरला भी स्पीकर ओम बिरला के साथ दो दिवसीय अयोध्या दौरे पर हैं। ओम बिरला सपरिवार श्री राम लला में के दर्शन करेंगे, साथ ही पूजा अर्चना करेंगे। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपनी पत्नी और परिवार के साथ अयोध्या दौरे पर हैं। यहाँ वे सपरिवार अयोध्या पहुंचे हैं और श्री राम लला के दर्शन करेंगे, साथ ही पूजा अर्चना करेंगे। कोटा से लोकसभा सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला श्री राम लला के दर्शन करने के लिए अयोध्या धाम पहुंचे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स रविवार रात आधिकारिक दौरे पर गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर विंस्टन पीटर्स 13 मार्च तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। नवम्बर 2023 में न्यूजीलैंड में नई सरकार के गठन के बाद उप प्रधानमंत्री पीटर्स भारत की पहली यात्रा पर अहमदाबाद और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री पीटर्स आज गुजरात सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं। इसके बाद वे नई दिल्ली जाएंगे और मंगलवार को एक द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस दौरान भारत और न्यूजीलैंड के द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा होने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक उप प्रधानमंत्री पीटर्स का भारत यात्रा के दौरान अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ मिलने का भी कार्यक्रम है। न्यूज 10 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। न्यूज 10 में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपना समर्थन और विश्वास व्यक्त करने के लिए मध्य प्रदेश के कटनी के हजरत इतर शाह की दरगाह पर हजारों मुस्लिमों का हुजूम उमड़ पड़ा और प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और आगामी लोकसभा चुनावों में उनकी सफलता के लिए दुआ की गई। इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन द्वारा कटनी दरगाह में आयोजित शुक्रान मोदी कार्यक्रम में 30,000 से अधिक मुस्लिमों और विभिन्न समुदायों और संप्रदायों के लोगों ने भाग लिया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हजरत इतर शाह दाता पीर बाबा दरगाह पर पवित्र चादर भी चढ़ाई गई। इस सद्भावना कार्यक्रम शुक्रान मोदी में धार्मिक नेताओं और मुस्लिम समुदाय के सभी संप्रदायों के लोगों ने मुस्लिमों के जीवन को बदलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास मंत्र की भी सराहना की, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के 10 सालों को स्वर्ण युग करार दिया। दिल्ली का पुराना किला एक अनूठे आयोजन का गवाह बना है। विकसित भारत अम्बेसडर आर्टिस्ट वर्कशॉप में हजारों कलाकार जुटे। इन सभी ने कला के माध्यम से विकसित भारत को लेकर अपनी परिकल्पना अभिव्यक्त की। देश